हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लव टेरेस गार्डनिंग। आज हम बात करने वाले हैं कि हम कटिंग से कुछ प्लांट कैसे लगा सकते हैं। अगर आप भी लगाना चाहते हैं तो आप मेरे साथ बने रहिएगा। चलिए फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, ये मैंने दो पॉट्स लिए हैं। पहले इसकी मिट्टी की प्रिपरेशन की बात कर लेते हैं, फिर आगे का प्रोसेस करेंगे। छोटे पॉट में मैंने जानबूझ के पत्तियाँ डाली हैं, क्योंकि अगर मैं इसमें पत्थर डालती तो इसके अंदर मिट्टी डालने की जगह नहीं बचती, इसलिए मैंने इसके अंदर लीव्स डाली है। और दूसरे पॉट में मैंने कंकड़ डाले हैं या पत्थर डाले हैं, क्योंकि वो बड़ा पॉट है और उसमें इतनी कोई दिक्कत नहीं हो। मेरे पास अभी पत्तियाँ भी थोड़ी कम थी इस वजह से। फ्रेंड्स, मैं ये रिकॉर्ड नहीं कर पाई हूँ कि मैं इसके अंदर रेत भी ऐड कर रही हूँ, क्योंकि मतलब मैंने रिकॉर्डिंग की थी बट फ़ोन अकेले ही कर रहे थे तो फ़ोन की जो स्क्रीन है वो प्लेन आई है, तो मैं आपको वैसे ही बता रही हूँ। अब आप इसके अंदर रेत और गार्डन सोल दोनों को ऐड करेंगे बराबर मात्रा में, ठीक है फ्रेंड्स। और इसको आप अच्छे से पानी डाल के ये देखेंगे कि इसके अंदर जो मोटी मोटे जो मिट्टी की वो गांठे बंधी हुई है वो ना रहे। वो सेट होने के बाद आप इसमें पानी डालेंगे और उसके बाद अब आप इसमें कटिंग लगाएंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये जो इसका नोड एरिया है ये मिट्टी के अंदर ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि यहीं से ही रूटिंग होगी। तो आप ध्यान रखिएगा, ये देखिए ये जो एरिया है ये इसी को नोड एरिया कहते हैं, जहाँ से कि लीव्स निकलती है, उस एरिया को काट कर आपको मिट्टी में लगाना है। एंड ये स्टेप आपको हर कटिंग के साथ करना है। ये कटिंग मुझे अच्छी लगी थी तो मैं ले आई हूँ, और ये ड्रेसिना का है और लिपस्टिक एग्लोनेमा है। फ्रेंड्स, जो स्टार्टिंग में तीन कटिंग्स मैंने दिखाई थी, मुझे उसके नाम नहीं पता है एंड मुझे एक इस कटिंग का नाम भी नहीं पता है फ्रेंड्स। तो अगर आपको पता हो इनमें से किसी का भी नाम तो मुझे ज़रूर बताइएगा। और अब हम इसकी कटिंग लगाते हैं। तीन मैंने छोटे पॉट में लगा दी है और अब बड़े पॉट में लगाने की तैयारी करते हैं फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स, ये ध्यान रखिएगा कि कटिंग को लगाने से पहले जो उसकी एक्स्ट्रा लीव्स है वो ज़रूर निकाल लीजिए। उससे क्या होगा कि आपकी जो ग्रोथ होगी रूटिंग की वो स्लो हो जाएगी। तो मेक श्योर कि आप ज़्यादा लीव्स ना रखिए, सब एक से दो लीव्स ही रखिए, या तीन चार भी रख सकते हैं बट ज़्यादा नहीं रखिएगा। और जो इसकी ज़्यादा लीव्स नज़र आ रही है उसको मैंने ट्रिम भी किया है सीज़र से, वो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई हूँ। इसमें देखिए मैं एक्सेस लीव्स निकाल रही हूँ इसकी, क्योंकि अगर नहीं निकालूंगी तो रूटिंग बहुत लेट होगी, सारी एनर्जी इसी में ही लगती रहेगी। तो ये दोनों आप निकाल लीजिए। इसकी मैंने दो कटिंग लगा दी है ड्रेसिना की, और ड्रेसिना की कटिंग लगाने के बाद मैंने एक कटिंग तो इसी में रहने दी है और एक कटिंग मैंने दूसरे पॉट में लगाई है, वो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई हूँ बट मैं उसका अपडेट आपको ज़रूर दूँगी आने वाले वीडियो में। देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसके अंदर करीबन 5 से 6 कटिंग्स लगाई हैं। जो भी इसकी अपडेट होगी मैं आपके साथ जल्द ही आऊँगी। कटिंग लगाने के बाद आप इसको शेड एरिया में रखेंगे, कब तक? जब तक कि आपको इसके अंदर ग्रोथ नज़र नहीं आती। और फ्रेंड्स, एक और चीज़ है, प्लांट की कटिंग लगाने के बाद आप इसको अच्छे से पुश कर लीजिए नीचे के साइड, ताकि इसके अंदर कोई गांठे ना बंधी रहे या कोई ऐसा एरिया ना हो जो गैप में हो, जिसकी वजह से आपका जो प्लांट है वो लगने में प्रॉब्लम करे। तो ये ध्यान रखिएगा कि गैप ना हो मिट्टी के अंदर, इसलिए थोड़ा सा पुश कर लीजिएगा ताकि टाइट हो जाए। फ्रेंड्स, एक बात और है, ज़रूरी नहीं है कि इसमें से सारी कटिंग आपके लग ही जाए। हो सकता है कि एक कटिंग लगे, हो सकता है कि एक भी कटिंग ना लगे, तो प्लीज़ डिसअपॉइंट मत होइएगा, इसमें पेशेंस बहुत चाहिए आपको। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।